हेमंती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय गढ़वाल के श्रीनगर और पौड़ी परिसर में छात्र संघ चुनाव के तहत मतदान शुरू हो गया है। मतदान सुबह 8:30 से लेकर दोपहर 12:30 तक हुआ। श्रीनगर परिसर में 6,000 से अधिक छात्र अध्यक्ष सहित छात्र संघ का चुनाव करेंगे, तो वहीं पौड़ी में 850 छात्र परिषद के गठन में अपने मताधिकार का प्रयोग करे। वहीं पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही समृद्धि देवरानी ने बताया कि वो ऐसे छात्र संघ को चुनने के लिए अपने मत का प्रयोग कर रही हैं जो छात्र हितों में काम करें और पौड़ी परिसर को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने में अपना योगदान दें। मुख्य चुनाव अधिकारी पीयूष सिंह ने बताया कि पौड़ी कैंपस में हो 850 छात्र छात्राएं अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतों की गणना पूर्ण होने के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे और जीते हुए प्रत्याशियों को शपथ भी दिलाई जाएगी। पौड़ी से मुकेश पछेती की रिपोर्ट। इलेक्शन के हमारे मुद्दे जो हैं, मेन मुद्दा हमें हमारा ये रहता है कि जो लड़कियों की सुरक्षा है वो यहाँ पे कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ हम जाके बोल सके। अगर हमारे साथ कुछ भी शोषण होता है या कुछ भी होता है तो ऐसा कुछ भी काउंटर या कोई भी जगह नहीं है जहाँ हम जाके बोल सके। मेन मुद्दा जो हमारा है वो हमें चाहिए था GSCAT, जो हाईकोर्ट की तरफ से बोला गया है कि हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, पर यहाँ HNB में नहीं है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे GSCAT का काउंटर लगे जहाँ पे जाके कोई भी लड़की हो बिना हिजक के कुछ भी जाके वहाँ पे बोल सके, कोई भी उसके साथ शोषण होता है तो वो बोल सके। दूसरा है हॉस्टल्स में मेडिकल रूम यहाँ पे किसी भी हॉस्टल में नहीं है, एक बैंडेड भी यहाँ पे नहीं मिलती है। तो हमारा ये भी मुद्दा होना चाहिए कि सभी हॉस्टल्स में एटलीस्ट एक मेडिकल रूम होना चाहिए ताकि कोई भी इमरजेंसी हो तो वहाँ पे जाके छात्रा अपना मेडिकल वो करवा सके। तीसरा हमारा मुद्दा है जो हमारी लाइब्रेरी है वहाँ पे बुक्स जो है वो अपडेटेड नहीं है, सब पुरानी है। जैसे कि हमें पता है कि पिछले साल से NEP स्टार्ट हुआ है, NEP की अपडेटेड बुक्स नहीं है, तो हम चाहते हैं जो हमारी बुक्स हो वो अपडेटेड हो। छात्र चुनाव आज होने जा रहा है और कैंपस जो पौड़ी कैंपस हमारे इसमें भी सभी छात्र बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं जो हमारा जो मेन मुद्दे हैं वो शिक्षा को लेकर रहेंगे। यहाँ पर जो शिक्षकों की कमी है उस फैकल्टी को भरने के रहेंगे। यहाँ पर जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियों को देख के यातायात की सुविधा है उस चीज़ में जो पदाधिकारी बात उठाएगा उसको वोट देने की बात होगी और जो मतलब छात्रों के हित में बात करेगा, छात्रों के साथ साल में 365 दिन खड़े रहने की बात करेगा उसको वोट देने का काम भी छात्र करेंगे। 8:30 से 12:30 बजे तक पोलिंग है और जो काउंटिंग है वो 1:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और उसके तुरंत बाद जो हमारे विजेता होंगे उनको शपथ ग्रहण भी कराएंगे आज। और अभी आप देख रहे हैं कि अभी तो विद्यार्थियों की संख्या कम दिखाई दे रही है लेकिन व्यवस्था पूरी बहुत अच्छी है और उम्मीद है कि बहुत अच्छे से ये चुनाव का पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा। अब हमारा प्रॉक्टर बोर्ड बिल्कुल मुस्तैदी से तैनात है, बाकी पुलिस प्रशासन भी आप देख ही रहे हैं और आप देख रहे हैं बहुत शांतिपूर्वक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है।